हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरी चैनल टेक्निकल वर्ब में। तो गाइस, यहां पे मेरे हाथ में है एसी का रिमोट। ये नॉन एसी का रिमोट है, नॉन इन्वर्टर एसी का ये रिमोट है गाइस। तो यहां पे मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूं कि जो ये मेरा रिमोट है वो अभी नहीं चल रहा है गाइस। ओके, ये बिगड़ गया है रिमोट। आप देख सकते हो कि अंदर सेल है, सेल बिल्कुल भरे हुए सेल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिमोट वर्क ही नहीं कर रहा है, एकदम बंद हो गया है। अगर चालू होता तो यहाँ पे डेट मेंशन होती और यहाँ पे बैटरी वगैरह मेंशन होता, बट ये बिल्कुल बंद हो गया है। ओके, और ये प्रॉब्लम कब आती है मुझे, मैं आपको बता दूँ, जब ही मॉनसून आता है, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है, तो ये रिमोट है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है। ओके, तो अब हम क्या करें इस रिमोट को चालू करने में, कि अब क्या करें ऐसी ट्रिक जो ये रिमोट स्टार्ट हो जाए। ओके, सो आज के वीडियो में मैं यही बात बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस रिमोट को स्टार्ट करना है बिना रिमोट को खोले, बिना बैटरी निकाले, बिना एक रुपया दिए। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में हम इस रिमोट को रिपेयर करना सीखेंगे। सो गाइज, अगर आप मेरी चैनल पर नए नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रिमोट बिल्कुल बंद है, अभी मेरा रिमोट चालू नहीं है। चलिए मैं आपको एसी के पास ले जाता हूँ मेरा रिमोट के साथ। तो ये मेरा नॉन एसी यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी है गाइज, ये रिमोट भी इसका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्विच है वो ऑन है और ये मेरा रिमोट है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेल भी है, भरे हुए सेल है। ओके, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। ओके, ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, तो आप सोच रहे होगे कि मैं इसे कैसे स्टार्ट करता हूँ गाइस। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस डब्बे के अंदर भी एक स्विच होती है, चाप होती है, उसको हम चालू करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले उसे चालू करके दिखाता हूँ, बाद में इस रिमोट को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो हम इसे खोल लेते हैं, यहाँ से दोनों साइड से आपको थोड़ा सा खोलना होगा। तो ये खुल गया, तो यहाँ पे आप देखो तो अंदर एक स्विच है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको आपको प्रेस करना होगा। ओके, तो इसे प्रेस किया तो ये हो गया स्टार्ट। अभी 12 डिग्री तक है और ये रिमोट एकदम बंद है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ इस रिमोट को स्टार्ट करने के लिए गाइस, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे फैन के बाजू में इस रिमोट को ऐसे रख देना है। ओके, थोड़ी देर के लिए ऐसे आपको थोड़ी देर के लिए रखना है रिमोट को, थोड़ा सा हवा में, आपको ठंडी हवा में रिमोट को रखना होगा, जिससे कि क्या होगा कि आपका ये जो रिमोट है वो एक्टिव होएगा, हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। थोड़ा सा डिब्बा बिब्बा पीछे का खोल देना है आपको, तो यहाँ पे डिब्बा भी खोल दिया है। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या कर रहा है, बट ये करने से ही आपका रिमोट है वो सही होगा। मैं ऐसा ही कुछ ट्रिक करता रहता हूँ, जिससे मुझे पता चला कि भाई ऐसा करने से ये जो है रिमोट एक्टिव हो जाता है। मेरे पास एक दूसरा इन्वर्टर ऐसी भी है, सेम प्रॉब्लम उसमें है, तो सेम मैं मेथड उसमें भी ट्राई करता हूँ, तो हो जाता है रिमोट स्टार्ट। तो थोड़ा सा हम इसे हवा में रखेंगे, थोड़ा सा एक्टिव होगा, यहाँ पे चलने लायक हो जाएगा, बाद में पूरा ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 मिनट जितना, 3-2 सेकेंड जितना टाइम लेगा ये रिमोट। थोड़ा सा इसमें हम घुमा घुसा देते हैं, शायद हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पूरा रिमोट मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है गाइस। इससे क्या होगा कि जो एयर है उसके अंदर जाएगी,
मैं थोड़ा सा देखो ये हो गया है स्टार्ट, और ये आप देख सकते हो कि एसी हो गया था बंद। अभी मैंने जैसे ही प्रेस किया था तो एसी हो गया था बंद। अब देखिए आप, ये बंद हो गया, ये स्टार्ट हो गया। तो ये जो है रिमोट एक्टिव हुआ है गैस, थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए इस फैन को फिर से चालू होने देते हैं। अब ये यहाँ पे 2 मिनट के बाद चालू होता है, क्योंकि चलिए हो गया है स्टार्ट एसी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये जो रिमोट है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो, मैं कोई भी ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये अभी वर्क कर रहा है गाइस, लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी थोड़ा सा ये डिस्प्ले स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको थोड़ा सा वगैरह प्रूफ दे दूँ। चल जाए तो अच्छा है भाई, ये स्टार्ट हो जाता है, इससे होता है। अभी आप देख सकते हो, आपको साउंड भी आता है। मैं आपको साउंड दिखाता हूँ इसके लाइव रख के। ये मॉनसून 25 पे आ गया। ओके, ये आप देख सकते हो कि मैं जैसे प्रेस कर रहा हूँ ये जा रहा है। ओके, ये एज कूल, ये भी वर्क करा है, एज कूल, ये सारा चीज वर्क कर रहा है गाइस। ये 18 पे हुआ। अब डिस्प्ले चालू होने का एक बात है, डिस्प्ले अभी थोड़ी देर के लिए बात चालू होगी गाइस। सो गाइस, ये तो पता चल गया कि थोड़ा सा इसे आप ठंडे एयर एसी के नीचे रखोगे तो जो ये रिमोट है वो एक्टिव, एटलीस्ट स्टार्ट ऑन ऑफ होने के लिए एक्टिव हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद 15 या 20 मिनट के बाद ही आपका रिमोट है वो चालू हो जाएगा, स्क्रीन भी दिखने लगेगी। बेसिकली मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ, मॉनसून में मुझे दिक्कत फेस होती है, और मॉनसून में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ और फिर रिमोट को रख देता, तो ऑटोमेटिकली ये रिमोट एक्टिव हो जाता है गैस। तो यहाँ पर भी ये अभी एक्टिव हो रहा है, थोड़ा सा अभी ठंडा हो रहा है, बाद में आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा ऐसे पड़ा रहेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, बट अभी ये नॉर्मली कमांड को एक्सेप्ट अभी नहीं कर रहा गाइस। देखिए, अभी ये नहीं कर रहा कमांड को एक्सेप्ट। ये कर किया, देखिए अपना ये करने लगा एक्सेप्ट। जैसे ऐसे ठंडा होता है ना, ये एक्टिव हो जाता है रिमोट। ओके, तो ऐसे ही ठंडा होता है तो रिमोट एक्टिव हो जाता है गाइस। ये अब देखिए, थोड़ा सा ऐसे आपको हो रहा है गाइस, ये सारा हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ये ऐसा स्क्रीन भी इसका है वो ऑन हो जाएगा। ओके, तो अभी ये डिस्प्ले नहीं चल रही है, बट ये वर्क कर रहा है, पर थोड़े देर के बाद डिस्प्ले भी चलने लगती है गाइस, और अच्छा सा चलने लगता है। थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा इसको रखना पड़ेगा एसी में, तभी ये स्टार्ट होगा गाइस। रिमोट अभी चलने लायक हो गया है कि इसे आप चला सकते हो, बट टेंशन मत लीजिए, आप ऐसे ही रूम पे रिमोट को रख देना, ये रिमोट स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसी दिक्कत होती है कि आपका जो ये रिमोट है वो ऑन नहीं हो रहा है बैटरी को चेंज करने के बाद भी, तो आपको मैंने जो से बताया कि एसी को डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है और बाद में इस रिमोट को ऐसे ही घर पे रूम पे रख देना है, या थोड़ी देर के लिए ऐसे आपको रख देना है, तो आपका एसी जो रिमोट है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो मॉनसून में है ना, थोड़ा सा रिमोट में भेज वगैरह लग जाता है, यानी कि थोड़ा सा सर्किट में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको दूसरा रिमोट भी दिखाता हूँ, सेम प्रॉब्लम उसमें भी है।
तो गाइज़ ये मेरा इन्वर्टर का एसी का रिमोट है, सेम दिक्कत इसमें भी है। अभी ये भी नहीं चल रहा है। मुझे मॉनसून में डायरेक्टली एसी को स्टार्ट करना होता है, बाद में ही एसी चलता है और 15 मिनट के बाद जो ये रिमोट एक्टिव हो जाता है गाइज़। तो सेम प्रॉब्लम उसमें भी है और सेम प्रॉब्लम नॉन इन्वर्टर एसी में भी आपको देखने को मिलेगी। अभी आप देख सकते हो कि मैं अभी ये चल रहा है गाइज। ओके, आपको साउंड तो आ रहा होगा, तो चलिए मैं आपको साउंड थोड़ा सा सुना दूँ। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ गाइज। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाया हूँ कि कैसे ये चलता है। अगर आपके साथ ये दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इस ट्रिक को ट्राई कीजिएगा, आपका रिमोट है 100% सही हो जाएगा और जो आपका रिमोट है वो बिगड़ा नहीं है गाइज़। अगर आप सर्विस स्टेशन ले जाओगे तो वहाँ पे आपको रिमोट चेंज करने को कहेगा, अदरवाइज़ कुछ रिपेयर करके आपका पैसा ले लेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए, प्लीज़ इस ट्रिक को ट्राई कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और आपने इस ट्रिक को ट्राई किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए गाइज़। ओके, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो भी मुझे आप कमेंट में कह सकते हैं गाइज़। ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और एक बात बता दूँ कि अगर आप रिमोट को ऐसे ही पड़े रहेगा तो ये रिमोट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।